मैं छिंदवाड़ा आता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मुझे ये लोग घोषणा वीर कहते हैं। अरे घोषणा तो वीर ही करते हैं, हम घोषणा भी करते हैं और उस कार्य का उद्घाटन भी करते हैं। आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है उसका शिलान्यास भी हमने किया और घोषणा भी हमने ही की थी। जनता बुलाती है तो मैं तो आऊंगा ही। एक वो थे जो बीच में आए थे 1.25 साल के लिए, वो यही कहते रहते थे पैसा है ही नहीं, पैसा नहीं है। मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे वो मामा नहीं जैसे औरंगजेब हो गया, सब लूट कर ले गया। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंचकर एक अलग ही अंदाज में नजर आए। शिवराज ने कमलनाथ और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, जब मैं छिंदवाड़ा आता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मुझे ये लोग घोषणा वीर कहते हैं। अरे घोषणा तो वीर ही करते हैं, हम घोषणा भी करते हैं और उस कार्य का उद्घाटन भी करते हैं। आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है उसका शिलान्यास भी हमने किया और घोषणा भी हमने ही की थी। जनता बुलाती है तो मैं तो आऊंगा ही। एक वो थे जो बीच में आते थे 1.25 साल के लिए, वो यही कहते रहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है। मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे वो मामा नहीं जैसे औरंगजेब हो गया हो, सब लूट कर ले गया। लेकिन मैं कह रहा हूं जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ विकास, आज भी छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं लोकार्पण के काम के लिए। जब मैं छिंदवाड़ा आता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, क्यों आ रहा है? अखबारों में तुरंत बयान, हमारे घोषणा वीर। अरे वीर ही तो घोषणा करते हैं रे, कायर थोड़ी घोषणा करते हैं। मैंने बयान पढ़े कांग्रेस के नेताओं के, लेकिन हम घोषणा भी करते हैं और घोषणा करके उसका पालन भी करते हैं। आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का हमने उद्घाटन किया था उसकी घोषणा भी हमने की थी और शिलान्यास भी हमने किया। अभी पंडित जी बता रहे थे कॉलेज की, उनकी घोषणा भी हमने की थी और उनको पूरा भी हमने किया। लेकिन उनको तकलीफ होती है कि मामा आ क्यों रहा है? बताओ छिंदवाड़ा बिछुआ वालों में आऊं कि नहीं आऊं? अरे जोर से बताओ, आऊं कि नहीं आऊं? हम तो आएंगे, जनता बुला रही है तो तुमने पुकारा और हम चले आए। एक वो थे जो बीच में आए थे 1.25 साल के, वो यही कहते रहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे इनका मामा नहीं, औरंगजेब हो गया, सब लूट के ले गया। लेकिन मैं कह रहा हूं जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ विकास, आज ही छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं लोकार्पण के काम के, 1,000 करोड़। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चलती, इसलिए हमने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। जिन बेटियों को गोद में खिलाया वो कॉलेज में पहुंच गई हैं। अब उनके लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 है। मध्य प्रदेश की धरती पर माँ बहन और बेटी का मान सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने तय किया है कि बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी दी जाएगी। मैं आसपास के सभी जिलों को संदेश देता हूं कि मेरी सरकार भोपाल से नहीं गाँव के चौपाल से चलेगी। एक वो थे जो 1.25 साल के लिए आए थे, वो कहते रहते थे कि पैसे ही नहीं है, मामा लूट ले गए। एक तरफ मैं हूं जो कहता हूं कि हमारे पास जनता के कल्याण के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। आज छिंदवाड़ा के लिए 1,000 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और छात्रावास के लिए हमने राशि दी है। मुझे खबर भी ली है कि एक ब्लॉक में राशन की दिक्कत आ रही है। मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूँ तुरंत जाँच करो, मैं गरीब का राशन खाने वाले को नहीं छोड़ूंगा। सत्ता के दलाल जनता का हक खाते हैं, इनका एक ही उपाय है, इनको कुचल दो। मैं अच्छा काम करने वालों का स्वागत करता हूं, लेकिन गलत काम करने वालों को छोड़ता नहीं हूं। बिजली के मामले में मुझे एक ब्लॉक से शिकायत मिली है, हररई में दिक्कत आई है, अब ये होना नहीं चाहिए, समय पर ट्रांसफार्मर बदलो। बेटियों के बिना दुनिया चल नहीं सकती, मध्य प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। ये मेरी बिटिया बैठी है, जब ये छोटी छोटी थी तब इनके हाथ में बचत पत्र हमने दिए थे लाडली लक्ष्मी योजना में। जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था वो अब कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। इन लाडली बेटियों को आशीर्वाद। मध्य प्रदेश की धरती पर माँ बहन और बेटी का मान सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास किए। ये पहला राज्य मेरे बहन और भाई जहां हमने तय किया
कि बिटिया को किसी ने अगर गलत नजर से देखा, दुराचार जैसी घटनाएं की, तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, उसके छोड़ेंगे नहीं। किसी भी जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ विकास, आज ही छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं, लोकार्पण के काम किए 1000 करोड़, और दो मेडिकल कॉलेज वाले हम नहीं जोड़ रहे 800 करोड़ के। ये अपनी पैच डाइवर्जन योजना, उसका सेकंड जो भाग है, उसके लिए हमने 800 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किए हैं। सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। मेरे बहनों भाइयों, छिंदवाड़ा वालों, आज 1000 लोगों में मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा, और ये भी नहीं जोड़ा, अभी तो इस शिलान्यास को क्या करेंगे। जिस गरीब का नाम राशन की सूची में नहीं था, उसका नाम जुड़ गया, उसको राशन मिलेगा। लेकिन मुझे खबर मिली है कि एक ब्लॉक में कहीं राशन की दिक्कत आ रही है। सही बात है कि मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं, जुन्नार देखो, मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं, तुरंत जांच करें। देखो मेरा सीधा फैसला है, अगर गरीब का राशन कोई खाएगा तो छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे, हथकड़ी लग के जेल जाएगा। ऐसे ऐसे बदमाशों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये पूरी जांच करवाई जाए, और गड़बड़ अगर कहीं है तो छोड़ना नहीं है, पूरी जांच होकर मेरे पास रिपोर्ट आ जाए। देखो जी, इस तरह के जो माफिया पैदा हो गए, सत्ता के दलाल जो जनता का हक खाने की कोशिश करते हैं, उनका एक ही उपाय है, उनको कुचल दो, उनको समाप्त कर दो, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसलिए अच्छा काम करने वालों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन गड़बड़ अगर कहीं पाई जाती है तो उसको छोड़ता नहीं। शिवराज ने कहा कि मुझे पिछले दिनों CMHO की शिकायत मिली, मैं छिंदवाड़ा CMHO को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं, यहां मुख्यमंत्री उपस्थित हैं और बिछुआ के CMO यहां नहीं हैं, इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं। अच्छे लोगों का मैं सम्मान करता हूं, आदिवासियों ने हमें धन्यवाद दिया है क्योंकि हमने पेशा लागू किया है, पेशा किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, यह 79 ब्लॉक में लागू होगा, शहरों में लागू नहीं होगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पेशा आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देता है, कई लोग गलत नियत से आदिवासी की जमीन हड़प लेते हैं, कई लोग आदिवासी बेटी से शादी कर लेते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र मैं नहीं चलने दूंगा, लव जिहाद में लव नहीं होता, केवल जिहाद होता है, इसको भी हम नहीं चलने देंगे। खदानों पर आदिवासी सोसाइटी का पहला हक होगा, फिर महिला का और उसके बाद पुरुष का। अब पिछले दिनों में आया था छिंदवाड़ा CMHO को, मेरे मुझे शिकायत मिली, हटा तो बाद में कहा, फिर से अभी वही है। और इसलिए मैं सिर्फ छिंदवाड़ा CMHO को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। मैं यहां आया तो मैंने पूछा बिछुआ का हाल क्या है, तो कहने लगे साहब CMO है ही नहीं, मुख्यमंत्री है और CMO यहां नहीं है तो नौकरी काय को करें, उनको भी मैं सस्पेंड कर देता हूँ बिछुआ का CMO। हमारे आदिवासी भाई बहन भी यहाँ बड़ी संख्या में बैठे, उन्होंने धन्यवाद दिया, इसके लिए धन्यवाद दिया कि पेशा एक्ट लागू किया गया है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, पूरे छिंदवाड़ा देखो, पेशा कोई के खिलाफ नहीं है, ना ये सामान्य वर्ग के खिलाफ है और ना ये पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। पेशा में जो प्रावधान किए हैं वो हमारे पेशा गांव के लिए किए, ये पेशा केवल 89 ब्लॉक में लागू होगा, पेशा शहरों में लागू नहीं होगा, पेशा केवल गांव में लागू होगा। और गांव में भी आदिवासी भाई बहनों के अलावा अगर कोई और समाज का आदमी रहता है तो वो भी पेशा की ग्राम सभा का सदस्य होगा। इसलिए पेशा से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कई लोग गलत नियत से आदिवासी की जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं, कई तो आदिवासी बेटी से शादी कर ली और जमीन खरीद ली, पता नहीं कहां से आ गए, अलग धर्म से आ जाते, शादी करी और इसलिए शादी, और शादी भी पहली नहीं होती, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी होगी, बताइए।
अब बेचारी वो बेटी, उससे शादी की और जमीन आदि किसी की खरीद ली, इसलिए कि उसके नाम पे जमीन इनके कब्जे में आ जाए। वो जगह तो पंचायत के चुनाव लड़ा देते, खुद नहीं लड़ते तो शादी करते। देखो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र में चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं। और ये लव जिहाद, इसमें लव कहीं नहीं है, ये जिहाद ही जिहाद। मध्य प्रदेश में ये भी नहीं चलेगा, एक और कड़ा कानून हम बनाने वाले। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।